हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे की हाल चाल, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो होने जा रही है अपने चेस्ट वर्कआउट पे, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने वर्कआउट में क्या क्या चेंजेस करे हैं। पहले मैं वर्कआउट करता था हैवी और मॉडरेट रैप्स के साथ, अब वर्कआउट में चेंजेस क्या है, किसी किसी एक्सरसाइज में वेट हैवी होगा और रेपिटेशन भी हाई होंगे, और किसी किसी सेट्स में मॉडरेट वेट के साथ हाई रेपिटेशन परफॉर्म होंगी। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं अपने हर एक मसल फाइबर को हिट कर पाऊंगा, और इसमें जो मेरा मेन बेनिफिट होगा, ना ही मुझे इंजरी होगी ज़्यादा, बिकॉज मैं हर एक एक्सरसाइज में हैवी टू हैवी नहीं जाऊंगा, लाइक 6-8 रैप्स में किसी भी एक्सरसाइज में नहीं करने वाला हूँ। सब में मिनिमम रैप्स 15 रहेगी और मैक्सिमम रैप 30 रैप्स रहेंगे। और आप लोग अपने वर्कआउट शेड्यूल को भी ऐसे चेंज करके देखना कितना ज़्यादा आपको फर्क महसूस होगा और पंप कितना ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और देखो, वैसे ही मैं बड़े टाइम से ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहा था, कभी पुश पुल लेग, तो अपनी बॉडी को एक शॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपकी बॉडी एकदम से ग्रोथ पकड़ती है और आपकी बॉडी में चेंजेस नज़र आने लग जाते हैं। बाकी सारा खेल तो डाइट का ही है, चाहे वो लीन गेनिंग करो, चाहे बल्किंग करो, चाहे कटिंग करो, जो भी करो, सारा खेल तो डाइट का ही है। गुरु मान ने एक लाइन बोली थी कि अगर तो आप ये सोच रहे हो कि सप्लीमेंट से आपकी बॉडी बन जाएगी, तो आप अभी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पीछे हो। डाइट इज़ नंबर वन प्रायोरिटी, एंड सेकेंडरी आपके एड ऑन्स आते हैं, जो कि आपके सप्लीमेंट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वार्म अप से, जिसमें मैं कर रहा हूँ 100 पुशअप्स और 50 बार डिप्स, ताकि चेस्ट अच्छे से वार्म अप हो जाए और स्ट्रेच हो जाए। एंड यू कैन टेक मल्टीपल सेट्स टू कंप्लीट योर रेपिटेशन इन पुशअप्स एंड डिप्स बोथ। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फ्लैट बेंच प्रेस। इसमें आपको ऐसा वेट चूज करना है जिससे आप फर्स्ट सेट में 25 एंड सेकेंड में 20 और थर्ड में 15 रैप्स परफॉर्म कर सको। और इसमें हमें हाफ रैप परफॉर्म करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैं जैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड द सेकेंड एक्सरसाइज इज सुपर सेट इंक्लाइन बेंच प्रेस विद इंक्लाइन डबल फ्लाई। इसमें आपको दोनों में ही 25-25 रैप्स परफॉर्म करने हैं, इसलिए आप ऐसा वेट चूज़ करें जिससे आपके 25 रैप्स आ जाएं, और हर एक सेट में आपको 25 रैप्स रखने हैं विद सेम वेट। एंड इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दीज एक्सरसाइज राइट, देन आप पंप देखना आपकी चेस्ट में आपको कैसा फील होने वाला है, अगर तो आप ये एक्सरसाइज एकदम ढंग से और अच्छे से परफॉर्म करते हो तो। And the third exercise is also a superset, flat double press and double pull over. इसमें भी आपको same reps, same set रखने हैं, 25 reps each set. 3 sets आपको perform करने हैं with the same weight. इसलिए जो भी weight आप choose कर रहे हो, वो ऐसा weight choose करना जिससे आपके 25 reps perform हो जाए। And double pull over में आपको अपनी chest को contract करके 1-3 seconds होल्ड करना है, एंड देन फिर अगला रैप परफॉर्म करना है। एंड पुल ओवर जो मेन काम करेगी आपकी चेस्ट में, एक राउंडनेस लेके आएगी, जिससे आपकी चेस्ट और भी ज़्यादा 3D दिखेगी। एंड द लास्ट एक्सरसाइज इज अगेन अ सुपर सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस विद बार डिप्स। 20-20 रैप्स आपको परफॉर्म करने हैं, और इसके 3 सेट्स आपको परफॉर्म करने हैं। एंड गाइस, ये लास्ट एक्सरसाइज आते तक आपका मसल इतना फटीक हो जाएगा कि आपसे डिप्स पे रेपिटेशन तक नहीं लगेंगे, पर ट्राई हार्ड कि आपको 15 और 20 के बीच में ही रैप्स मारने हैं। ट्राई करो कि 20 रैप्स तो कंप्लीट हो ही जाएं। एंड विद द लास्ट एक्सरसाइज माय वर्कआउट इज फिनिश्ड, लेट्स डू सम पोजिंग। और बाकी अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।